दोस्तों ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की मच अवेंटेड फिल्म विक्रम वेदा आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि कैसी है फिल्म, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर हो जाएगी फ्लॉप, आइए जानते हैं। तो अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर बने हैं और ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और सैफ अली खान ऋतिक रोशन को पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस कस्टडी में लेते हैं और वहाँ पर ऋतिक रोशन सैफ अली खान को कई सारी कहानियाँ सुनाते हैं। सही जैसे विक्रम बेताल की कहानी में बेताल विक्रम को कई सारी कहानियां सुनाता है, यह फिल्म भी विक्रम बेताल की कहानी के ऊपर ही बनाई गई है और इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने तो सबको हैरान कर दिया। अगर आप इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखोगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अब अगर आपने तमिल विक्रम वेदा देख रखी है तो भी आपको यह वाली विक्रम वेदा देखनी चाहिए क्योंकि यह सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगी। और अगर आपने तमिल विक्रम वेदा नहीं देख रखी है तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह आपको बाप लेवल का एक्सपीरियंस देगी और आप मुझे कमेंट में आकर कहोगे कि वाह भाई क्या फिल्म सजेस्ट की है। अगर हम इस फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान अपने रोल को पूरा जस्टिस देते हैं, उन्होंने अपने पुलिस के रोल को बखूबी निभाया है। पर दूसरी ओर अगर हम ऋतिक रोशन की बात करें तो क्या बंदा है यार, उसने तो गर्दा ही उड़ा दिया। जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त डांस, जबरदस्त एक्शन, क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन, सब कुछ ऋतिक रोशन का मुझे बहुत पसंद आया। और जब ऋतिक रोशन वॉक करते हुए आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई हड्डी ही नहीं है, एकदम फ्लेक्सिबल रबर के जैसे। और ऋतिक रोशन आप कोई भी फिल्म उठाकर देख लो, वह हर फिल्म में अलग एक्टिंग करते हैं, अलग एक्सप्रेशन देते हैं, अलग डांस करते हैं, अलग ही स्टाइल रखते हैं। उनकी हर फिल्म के अंदर आपको सब कुछ अलग मिलेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बार बार मैं इसको देखकर बोर हो चुका हूँ। और इस फिल्म के अंदर भी आपको ऋतिक रोशन के सभी फिल्मों से अलग ही देखने को मिलेंगे, ऐसी एक्टिंग उन्होंने अभी तक किसी फिल्म में नहीं की है और उनके हंसने का स्टाइल तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई एक्टर अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कैसे कर सकता है। अगर मैं ऐसे ही ऋतिक रोशन की तारीफ करता गया तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे सबसे बड़े प्लस पॉइंट की और वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है या सबसे ज्यादा तो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने ही लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। और इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो सही बंदे को डायरेक्टर चुना है, पुष्कर गायत्री। इनको पता है कि किस बंदे को कहां पर कैसा यूज करना चाहिए और इन्होंने ऋतिक रोशन और सैफ अली खान का सबसे अच्छे तरीके से यूज किया है। और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सबसे अच्छा है जो आपको कहानी से जोड़े रखता है। अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी तो आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। और इस फिल्म में अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वह है इसकी ड्यूरेशन। इसकी ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे 40 मिनट की है और इसका सेकंड हाफ में थोड़ी स्टोरी स्लो हो जाती है, तो उसे थोड़ा फास्ट करके इसकी ड्यूरेशन और कम की जा सकती थी। पर इतने ज्यादा प्लस पॉइंट के सामने एक माइनस पॉइंट तो चलता है और मेरे हिसाब से तो यह फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए।